नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आंकड़ों में गड़बड़ी से इनकार किया है। सभी जिलों से मौत के आंकड़े मंगवाए गए थे। मंगल पांडे ने यह बातें कही, जो आंकड़े सामने आए हैं सभी जिलों के समग्र आंकड़े हैं। यानी मंगल पांडे ने यह तमाम बातें की। हालांकि सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों को मदद दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह तमाम बातें कही। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी पर मंगल पांडे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में गड़बड़ी से इनकार किया है स्वास्थ्य मंत्री ने, और सभी जिलों से मौत के आंकड़े मंगवाए गए थे। जो आंकड़े सामने आए हैं सभी जिलों के समग्र आंकड़े हैं। सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों को मदद दी जाए। तो कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन यह काम सभी के सुझाव पर किया गया। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया गया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए, बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है। और हम लोगों ने आगे बढ़ के, सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसा में पढ़े तो आतंकी। यानी ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। और साथ ही मांझी ने बांका बम विस्फोट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी विधायक ने बांका विस्फोट को लेकर मदरसों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। वैशाली हाजीपुर में बैंक लूट की बड़ी वारदात हुई है। अपराधियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की और बैंक खुलते ही अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। नगर थाना के जरुआ के पास HDFC बैंक में बड़ी लूट की वारदात हुई, जहां अपराधियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया। नगर थाना के जरुआ के पास HDFC बैंक में बड़ी लूट हुई है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर बैंक में इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हाजीपुर से हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं फोन पे। पंकज, बैंक लूट मामले में क्या है ताजा अपडेट? में अभी तिरुच रेंज के आईजी दिनेश प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बैंक में जाकर के बैंक कर्मी से पूछताछ भी किए, उसके बाद पुनः यहां से निकल गए। इसके अलावा वैशाली SP और सदर SDPO इनके नेतृत्व में जगह जगह रेड चल रहा है, छापामारी चल रहा है और पूरे जिला को सील कर दिया गया है, जहां तक बाइक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। हालांकि यहाँ पे हर बिंदु से जांच करने की कोशिश की जा रही है, हर तरह से जांच किया जा रहा है। जितने भी आसपास के थाना है सभी को सभी की मदद लेकर के कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में ना हुई है। एक बता दें कि 5 की संख्या में अपराधी थे और लूट के बाद सभी अपराधी बैंक से पैदल निकलते हुए, जो CCTV कैमरा में कैद हुआ है तस्वीर, वो बैंक से पैदल निकलते हुए बाहर गए हैं। उसके बाद गाड़ी से वो लोग भागा है, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई में जुटी हुई है। और बता दें कि ये वैशाली जिला का सबसे बड़ा लूट है, 1.19 लाख रुपया लूटा गया है, जो सबसे बड़ी वारदात माना जा रहा है। और वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पे
आम दिनों में मोटरसाइकिल भी क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है जिस एरिया में इस तरह की वारदात हुआ है, यहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जो आसपास के दुकानदार हैं उन लोगों को भी नहीं पता चल पाया कि कोई बहुत बड़ी लूट इस तरफ से, जब पुलिस की गाड़ी यहाँ पे पहुंची है तब लोगों को पता चला कि कोई वारदात बैंक में हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक है यहाँ जरवा के पास जो नगर थाना इलाके में पड़ता है। हालांकि पुलिस हर बिंदु पे जांच कर रही है और लगातार छापामारी कर रही है, हर जगह वाहन चेकिंग अभियान चालू कर दिया गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना से खबर, जहां राजेंद्र नगर इलाके में महिला से लूट हुई है। अपराधियों ने महिला की गले से चैन छीनी और लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो सुबह में अपराधी बेखौफ होते जा रहे, वे पटना में अपराधी के हौसले कितने बुलंद है जो इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज सुबह वट सावित्री की पूजा करने जा रही एक महिला से राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में किस तरीके से अपराधियों ने सोने की चैन गले से छीन ली और छीन कर फरार हो गए। महिला पूजा करने अपने घर से जा रही थी, इस दौरान बाइक सवार दो अपराधी आते हैं और पीछे से गले से चैन को खींच लेते हैं। इससे महिला नीचे गिर जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर और मामले की छानबीन में जुटी है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गम्हारी गांव में ऑर्केस्ट्रा में अश्लील गीत बजाने को लेकर विरोध करने पर एक युवक की जहां चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, वह इस घटना में मृतक बैकुंठपुर थाने के गम्हारी गांव निवासी रमेश सिंह का पुत्र मंजीत कुमार बताया जा रहा। मृतक के परिजनों ने बताया कि गाँव में बारात आई थी, स्कूल पर बारात के दौरान ऑर्केस्ट्रा के साथ अश्लील गीत बजाया जा रहा था। अश्लील गीत बजाने का युवक ने विरोध किया तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर युवक को घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल से सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां सदर अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर किया गया। वहीं गोरखपुर ले जाने के दौरान ही युवक की मौत हो गई। शॉप में था और उसके बाद उसको मैंने रेफर कर दिया। आज मेरे गांव में जो घटना घटित हुई है वह बहुत ही दुखद है। मैं इस निर्दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करता हूं। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब सुस्त हो गई है। बुधवार को प्रदेश में से 589 नए केस मिले और हर दिन नए मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। इससे पहले मंगलवार को 711 नए संक्रमित मिले थे, जबकि सोमवार को 762 मरीज मिले थे। वहीं बुधवार को यह आंकड़ा 589 पर पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 8000 के नीचे आ गई है। बिहार में अब कोरोना के 7353 एक्टिव केस है। वहीं बुधवार को पटना से ज्यादा मामले सुपौल से आए हैं। सुपौल में कोरोना के 57 जबकि पटना में 55 नए मामले हैं। बिहार का रिकवरी रेट अब 97.65% पर पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक अच्छी खबर है। गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र के अधिवक्ता नगर मोहल्ले में बताते चले कि बाइक सवार बदमाशों ने घर के आगे जहां सरेआम जमकर बमबारी की, वही बमबारी के बाद भागने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। घटना नगर थाना क्षेत्र के अधिवक्ता नगर की है। वहीं पीड़ित दिनेश श्रीवास्तव के घर पर बमबारी और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। बमबारी का ये वीडियो मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद बदमाशों की पहचान करने का दावा किया जा रहा है। डाइन का ब्लेम लगा के कोई वजह बता दिया था कि ये लोग का घर का करा धराया है, तो बाता कहनी हुआ वहाँ से बोला कि हम बम से उड़ा देंगे, मार देंगे। हमारे भैया वहाँ भाभी अकेले रहता है लोग, तो रात में वो लोग तलवार गाड़ के भाला लेके भैया को मारने के लिए गया। भैया दरवाज़ा नहीं खेरे, दरवाज़ा पे ईंटा पत्थर से लाठी से फरसा से मारा है लोग, चीना अभी तक बरकरार है। खजरी उसी का सत्यापन में आए हैं, यहाँ है बम इनके दरवाजे पर पटका गया है और बम पटकने के बाद भाग गया है अभियुक्त, उसको हम लोग जांच कर रहे हैं।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पटना से खबर, चार सीएम नीतीश कुमार भ्रमण पर निकले हैं। तो बता दें कि पटना के हालातों का जायजा ले रहे, वही दो दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार भ्रमण पर निकले हैं और पटना के हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो दो दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण पर निकले हैं, पटना की स्थितियों का जायजा लेने, किस प्रकार से लोग पालन कर रहे हैं, इस तरह की तमाम तरह की चीजों को लेकर सीएम नीतीश कुमार भ्रमण पर निकले हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फुल लाइन पे। मरगूब, सीएम नीतीश कुमार भ्रमण पर निकले हैं, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? दो दिन पहले ही राज्य सरकार ने आंशिक तौर पर लॉकडाउन खत्म किया, तो मुख्यमंत्री पहले भी करते रहे हैं इस बार वो निकले हैं। अभी सबसे पहले वो सीधा जाएंगे, सीधा खानापुर, सीधा होते हुए वो गांधी मैदान होते हुए वो पटना सिटी जाए, पटना सिटी से वो पटना बाईपास होते हुए वो फिर शहर पटना में आएंगे, स्टेशन होते हुए और वो सीधे अपने आवास आएंगे। मुख्यमंत्री के निकलने का ये कार्यक्रम है कि वो देखना चाह रहे हैं कि लोग इस तरीके से सड़क पर निकल रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितनी गाड़ियां निकल रही हैं सड़कों पर, काफी साथ प्रशासनिक सुस्ती कितनी, इसके साथ साथ कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं पटना में, आपको पता होगा कई फ्लाई ओवर बन रहे हैं और कई अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री उसका भी जायजा लेंगे, हालांकि जो हमारे पास जानकारी है तो मुख्यमंत्री गाड़ी से उतर करके कहीं नगर भ्रमण नहीं करेंगे, वो सीधे गाड़ी में ही जाके नगर भ्रमण करेंगे और पूरे इलाकों का जायजा लेंगे और तीन चार चीजें जो हमने बताई उन चीजों को वो देखेंगे और शायद आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा सरकार के आदेश पर। वो मुख्यमंत्री निकल गए हैं, अभी मुख्यमंत्री दीघा पहुंच रहे हैं, दीघा के बचानापुर पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो दीघा जाएंगे, फिर दीघा से करेंगे पटना के गांधी मैदान कारगिल होते हुए पटना सिटी, पटना सिटी से बहुत बाईपास में जाकर के हालात देखेंगे कितनी गाड़ियां चल रही है, क्या हालात है, नई हालत है, वहां से फिर वो आएंगे पटना जंक्शन, वहां सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद डाकबंगला आएंगे, इनकम टैक्स होते हुए वो फिर दिल्ली रोड होते हुए अपने आवास पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री का नगर भ्रमण है, तो निश्चित तौर पर इन्हीं सब बातों को लेकर के मुख्यमंत्री नगर भ्रमण में निकले हैं और शहर का जायजा लेंगे और जो विकास कार्य चल रहे हैं उस विकास कार्य का भी जायजा लेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरकू। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेगूसराय में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद भी टीका को लेकर उठे अफवाहों का व्यापक असर सामने आ रहा। जिले के भगवानपुर प्रखंड के मुसारी टोला में जहां लोगों को समझाने पहुंचे अधिकारी को लाठी डंडे से विरोध कर हंगामा किया गया, तो बड़े बखरी प्रखंड के महादलित टोले में भी अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। अब दोनों जगह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं अधिकारियों को लाठी डंडे से विरोध कर रही, जिसे अधिकारियों को वैरंग वापस होना पड़ा। कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा टीका एक्सप्रेस चलाकर वैक्सीनेशन का काम पूरे जिले में किया जा रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। कोरोना की सुरक्षात्मक कड़ी में सबसे अहम कड़ी है और ऐसे में आज बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के सटे मुसहरी में जब हम लोग दलित बस्ती में गए और मेरे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य टीकाकर्मी थे, तो उन लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया। ग्रामीण अंचलों में जाने के बाद ऐसा लगता है कि उनमें जागरूकता का अभाव है, अज्ञानता है, इसीलिए बड़े पैमाने पर सरकार के स्तर पर, स्वयंसेवी संगठनों के स्तर पर और सामाजिक संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड के टोली पंचायत में क्लस्टर बनाकर मास्क निर्माण कराया जा रहा। इस काम में लगभग 100 कामगारों को रोजगार मिला। इनमें कई ऐसे भी प्रवासी मजदूर है जिनका रोजगार कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था, लेकिन जिला प्रशासन की पहल पर इन्हें मास्क बनाने का काम मिला। इनके द्वारा अब तक 7 लाख से ज्यादा मास्क का निर्माण किया जा चुका है और 30 लाख की राशि का काम कर चुके हैं। इनमें कई ऐसे कामगार हैं जो दूसरे प्रदेशों में टेलरिंग का काम करते थे और कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्थानीय स्तर पर
सिलाई का काम करती थी। सीमांचल ट्रेडिंग क्लस्टर के नाम से यह काम किया जा रहा है। इन कामगारों ने कहा कि सरकार ने हम गरीबों की सुनी और स्थानीय स्तर पर रोजगार देकर जीने का साधन दे दिया। कोरोना काल में बड़े स्तर पर अपने इलाके में काम मिलना सरकार के रोजगार देने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। क्लस्टर में काम हो रहा है, यहाँ पर कुल 92 मजदूर हैं, जिसमें कि कुछ तो प्रवासी मजदूर हैं और कुछ वहाँ की लोकल लड़कियाँ लोग हैं जो कि ये सिलाई कटाई का काम कर जानती थी। उनको लॉकडाउन में कोई रोजगार का साधन नहीं था तो उसको वहाँ टोली पंचायत के मुखिया जी ने इस क्लस्टर को मतलब बनवाने में बहुत मेहनत की और सरकार से अनुदान प्राप्त भी हुआ। 150-200 लोग काम किया है वहाँ पर। कितना मास्क का निर्माण हुआ होगा? अभी तक 7 लाख मास्क का निर्माण हमारे यहाँ हुआ है, 7 लाख के आसपास। सबको मुखिया जी ने यहाँ पे काम दिया है। अच्छा। सरकारी तरफ से जो भी मास्क बन रहा है उसी में सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। दिन का जो भी हो जाता है, रोजी रोटी चल रहा सबका। अच्छा। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने और पति के स्वास्थ्य के लिए यानी आज के दिन वटवृक्ष की पूजा करती है। इसके लिए महिलाएं सुबह से उपवास रहकर वटवृक्ष में फेरी लगाकर धागा बांधती है और साथ ही वृक्ष के आयु की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह नजारा है सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने एवं पति के स्वस्थ होने के लिए पूजा करती है। और बताते चले कि उपवास रहकर पूजा करती है। ये नज़ारा है पटना के पटेल नगर एनर्जी पार्क का। वहाँ पर बता चले कि महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए और लंबी उम्र की कामना करती है। इसके साथ बता दें कि पतिव्रता स्त्री सावित्री ने अपने पति की प्राण हरने आए यमराज से जीत कर वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति के प्राण वापस लौटा ली थी। ठीक उसी पौराणिक कथाओं पर आज भी महिलाएं व्रत कर वट वृक्ष की पूजा करती है और अपने पति के सुहाग को अमर रखने की कामना करती है। ये तस्वीरें पटना के हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे किस तरह से सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष का फेरी कर लगा रही हैं और इसी के साथ पति की दीर्घायु के लिए लंबी उम्र के लिए कामना कर रही है। हालांकि भक्तिभाव से वट सावित्री की महिलाओं ने पूजा की। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में वट सावित्री पूजा का विशेष महत्व होता है और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां बताते चले कि सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने और पति के स्वास्थ्य के लिए और वट वृक्ष की पूजा करती है। महिलाएं उपवास रहकर वट वृक्ष में फेरी लगाकर धागा बांधती है और साथ ही वृक्ष की आयु की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह नजारा है सासाराम का जहाँ पे महिलाएं हैं वो वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं और वट वृक्ष का फेरी लगाकर अपने पति की दीर्घायु के लिए लंबी उम्र की कामना कर रही है। तो बताते चले कि वटवृक्ष में फेरी लगाकर धागा बांधती है और इसी के साथ पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वही जिस प्रकार से कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री सावित्री ने अपने पति की प्राण हरने आए यमराज से जीत कर वटवृक्ष के नीचे ही अपने पति के प्राण वापस लौटा ली थी। ठीक उसी पौराणिक कथाओं पर आज भी महिलाएं व्रत कर वटवृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति के सुहाग को यानी अपने सुहाग को अमर रखने की कामना करती है। बोधगया में सनातन धर्म की परंपरा की महिला व्रतियों की महापर्व वट वृक्ष पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाओं ने लिया है। बिहार के विभिन्न जिलों में महिलाओं की भीड़ वट वृक्ष की शीतल छांव और पूजा व कथा कही जा रही है। बता दें कि अक्षय वट वृक्ष गया का जो कि सदियों पुरानी अमर होने का वरदान सीता माता से मिला है, उस पेड़ के नीचे भी महिलाओं के द्वारा पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। महिलाओं ने बताया कि वटवृक्ष की पूजा करने से सुहागिनों की पति की लंबी उम्र होती है। जिस प्रकार की लंबी उम्र वटवृक्ष की उसी प्रकार वरदान मांगते हैं और वटवृक्ष की रक्षा करने के लिए कच्चा सूता बांधते जाते हैं और इसकी पूजा की जाती है। कथा का विशेष महत्व है। किसका नाम है? वट सावित्री व्रत कथा। वट माने वर्ष आदि, वर का गाछ होता है और सावित्री सती थी तो अपना सतवान के दीर्घायु के लिए ये व्रत को की थी। कौन? सावित्री की थी, जो अपना पूर्ण रूप से आयु को प्राप्त की थी और इस व्रत को कहला के बाद
यानी पुत्र दीर्घायु होते हैं, पति भी दीर्घायु होते हैं। पति इसमें बर के पत्ते का बहुत महत्व है। इस आज के दिन इन्हीं के पेड़ की पूजा होती है। जैसे इनकी लंबी आयु रहती है वैसे पति की भी आयु लंबी हो, हम लोग सदा सुहागन रहे, बस यही कामना के साथ हम लोग यही पूजा कर। नवादा में भी वट सावित्री की पूजा के लिए बरगद पेड़ के समीप सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुहागिन महिलाएं बरगद पेड़ की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना की। बरगद पेड़ के नीचे ब्राह्मण द्वारा महिलाओं को सावित्री के तप के कारण यमराज से उनके पति की प्राण रक्षा की कथा सुनाई गई। कथा सुनने के बाद महिलाओं ने ब्राह्मण को दान देकर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। श्रद्धालु महिलाओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया, लोग बिना मास्क के ही पूजा करते देखे गए। स्त्री सुख सौभाग्य की कामना के लिए वट सावित्री का व्रत करते हैं। इस वट सावित्री व्रत में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को प्रत्येक स्त्री स्नान ध्यान करके वट वृक्ष के नीचे जड़ के पास ऋतु फल लौंग इलायची सुपारी अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती है, परिक्रमा करती है। ये व्रत पूजा पति के लिए किया जाता है, उनकी आयु लंबी आयु के लिए किया जाता है, परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है, लंबी उम्र के लिए किए हैं। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने और पति की दीर्घायु यानी लंबे दीर्घायु के लिए वटवृक्ष की पूजा करती है। इसके लिए महिलाएं उपवास रखकर वटवृक्ष में फेरे लगाकर धागा बांधती है। वहीं वटवृक्ष के आयु की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। नजारे पटना सिटी मालसला में स्थित पटना घाट इलाके का, जहाँ महिलाएं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वटवृक्ष की पूजा करने पहुंची और सोशल डिस्टेंस को छोड़कर महिलाएं पूजा में लीन नजर आई। सावित्री का व्रत है, आज अमावस्या तिथि है, वट सावित्री की पूजा स्त्री की सौभाग्य की रक्षा के लिए किया जाता है। और वट का जो वृक्ष है इसका आयु पृथ्वी पर सबसे लंबा होता है, इसी कारण स्त्री लोग या वट वृक्ष से मनोकामना मांगती है, वरदान मांगती है कि हे वट वृक्ष, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, जिस तरह से आपका आयु लंबा है उसी तरह से मेरे पति का आयु भी लंबा हो, और इसी कामना के लिए मैं आपकी पूजा करती हूँ, सौभाग्य की मेरी रक्षा करे, हे वट वृक्ष का। बाढ़ में भी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन को लेकर वट सावित्री व्रत रखते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में इसी तरह के अगर परेशानी चल रही हो किसी तरह की, तो वह इस बात के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर बरगद के नीचे इस बात को करती है कि इस दिन सावित्री और सत्यवान का कथा सुनने का भी प्रचलन है। वहीं सुहागिन महिलाएं फल फूल और कच्चे धागे को बरगद के पेड़ में लपेटकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती है। लंबा उम्र के लिए किया जाता है, ये सीता माँ को गवाही दिया था बर का पेड़, इसीलिए किया। फल्गु नदी स्मशान नहकार गया था, एक बर के पेड़ था, वही एक मुनगछा था कि हाँ दान किए हैं पेड़, इसीलिए सीता माँ को पेड़ को आशीर्वाद दिया। वट सावित्री पर्व के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने वटवृक्ष की पूजा की। उन्होंने व्रत रखकर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने और पति के स्वस्थ होने के लिए वटवृक्ष की पूजा की। तो वट सावित्री पर्व के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने वटवृक्ष की पूजा की। उन्होंने उपवास रहकर पति के दीर्घायु होने की कामना की। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने और पति के स्वस्थ होने के लिए आज के दिन वटवृक्ष की पूजा करती है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।